हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ इंडीज। पड़का हादसे पर आमदार रईस शेख ने उठाई विधानसभा में आवाज। भिवंडी के ग्रामीण इलाके पड़का खोड़ोनी हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे को आज विधानसभा सदन में प्रश्न करके आमदार रईस शेख ने उठाया। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में स्कूल के बच्चे भी शामिल है। एक तो स्कूली बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की ठीक से सुविधा नहीं है, वहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और भिवंडी के आईजीएम अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा नहीं है। आज भिवंडी के पड़गा इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। पटकन उसमें अध्यक्ष महोदय स्कूल में जाने वाले बच्चे थे। अध्यक्ष एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये हादसा इतना दर्दनाक है। आपको अगर मैं फोटो दिखाऊं तो स्कूल के बच्चे हैं, उनके बैग्स हैं। मेरे दो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। थाना डिस्ट्रिक्ट से ही हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है, लेकिन जो नासिक हाईवे की आज हालत है, ये आज 4 महीनों में तीसरा केस है। एक रिक्शा के अंदर, रिक्शा पूरी खड्डे में जाने के बाद 4 लोगों की मृत्यु हुई, आज 6 लोगों की हुई। प्रश्न दो है, वहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए बसेस नहीं है। दूसरा, ये जब हादसा हुआ, आईजीएम जो भिवंडी के अंदर अस्पताल है वहां ट्रॉमा केयर नहीं है। ये सारे लोगों को ले जाया गया कलवा और रास्ते में उनकी डेथ हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कब इस पे ध्यान देगी? आईजीएम के अंदर कब ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा ताकि भिवंडी जो दोनों तरफ से हाईवे है उसके अंदर होने वाले अपघात के लोगों को हम बचा सके? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार इस पर ध्यान दे। धन्यवाद। सरकार ने एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।